बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवाबजद जमाल ख़ान रेसानी, वज़ीर स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और कल्चर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मीडिया का अटेंशन दिया। और जब से मैंने वजारत संभाली है, मेरे सामने कई मामलात आए हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कुछ शिकायत भी हैं। क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ मामलात होते हैं जो कि हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनको हल कर सकें। तो मैं, हमारी जो टीम बैठी हुई है, सेक्रेटरी इसाक जमाली साहब, डीजी दुरा बलोच साहब, हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम अपने खिलाड़ियों को, जितने भी स्पोर्ट्स में उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस कर सकें। ख़ासकर हमारे यूथ का, जैसे कि आप सबको पता है कि बलूचिस्तान का जो पॉपुलेशन है, आधे से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। और अनफॉर्चुनेटली ये भी कहना पड़ता है कि 42% जो आपका यूथ है आजकल डिप्रेशन के शिकार है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट हमारे साथ स्टैटिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जैसे आप सबको पता है कि कल ही हमारा, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप का फाइनल हुआ, जिसमें केआरएल ने बाजी मार ली। मैं समझता हूँ कि आज जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में क्या है। और ये शायद पहले ऐसे नहीं हो, लेकिन ये हमारा एक चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक तरीका है कि आवाम को पता चले कि आगे कौन से इवेंट्स हमने उनके लिए प्लान किए हैं, खासकर यूथ के लिए। क्योंकि हमारी जो टीम है, हमने ये फैसला किया है कि हम मेरिट को तरजीह देंगे, और इसी मेरिट के ऊपर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बलूचिस्तान के टैलेंटेड जितने भी हीरे हैं, हम उनको पॉलिश करके इंटरनेशनल सतह के मौक़ात पेश कर सकें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्लेटफॉर्म्स पेश कर सकें। तो जो हमारा स्पोर्ट्स, सब क्योंकि मैं स्पोर्ट्स, कल्चर और यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ, तो पहला जो हमारा डोमेन है, स्पोर्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे आप सबको पता चला कि मुझसे पहले ऑल पाकिस्तान क्रिकेट गोल्ड कप हमारे सेक्रेटरी साहब ने और डीजी साहब ने कराया, वो भी माशाल्लाह बड़ा वो कामयाब हुआ। इसके बाद जो कल मैंने पहले आप सबके सामने अर्ज़ किया कि नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि पहले भी हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह चौथी बार हमारी इसी टीम ने कराया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बलूचिस्तान के लिए और उन फुटबॉलर्स के लिए जो कि अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, उन टीम्स के लिए जो कि अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में खेलना चाहते हैं। उसके अलावा आज भी हमारा एक टूर्नामेंट शुरू है, बलूचिस्तान की तारीख का सबसे पहला इंटर प्रोवेंशनल वुमेन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, जिसका आज फाइनल है और क्लोजिंग है। क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स का मायना ये है कि हम किसी को इग्नोर नहीं करें, हम किसी एक जेंडर को तरजीह नहीं दें, हम किसी एक स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं दें। तो ये हमारा विजन है। इसके अलावा हमारा जो मेंस इंटर प्रोविंशियल नेशनल लेवल का मेंस वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है, वो भी इंशाल्लाह शुरू होगा, इसके 11 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं शहीद नवाबजादा सिराज खान रेसानी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वो अक्टूबर में इसी हफ्ते, अगले हफ्ते शुरू होगा इंशाल्लाह। उसमें हमारे कोटा लेवल पे है ये, इसमें ये होगा कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, उनकी टूर्नामेंट्स होंगे उनके हिसाब से, ख्वाह वो इनडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो। इसके अलावा हम हमारी इंटर जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, ये भी हमारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है।
और रिसेंटली हमारे सेक्रेटरी साहब ने अंडर 19 क्रिकेट कंपटीशन प्रोवेंशियल लेवल पर कराया, वो भी हमारा एक कामयाब प्रोजेक्ट था। आना ये मैं बताता चलूँ आप सबको कि पहले शायद ही इस एज ग्रुप पे कई फोकस ना हो, क्योंकि बाहर मुल्क में अगर आप स्पोर्ट्स पर फोकस करते हैं तो वो ग्रास रूट पे फोकस करते हैं। ग्रास रूट से मुराद ये है कि वो अंडर 10, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 18 पे फोकस करते हैं, इंटर स्कूल्स, इंटर कॉलेजेस पे फोकस करते हैं। तो ये बलूचिस्तान में हमारी टीम की जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा विजन है यूथ का, मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्पोर्ट्स नर्सरीज हैं। अगर हम इन पर फोकस करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान में कई टैलेंटेड हीरे हैं, उनको सिर्फ हमें पॉलिश करनी चाहिए। इसके अलावा बलूचिस्तान की तारीख की सबसे पहले बार, शायद पहले कभी इस नमूने से टूर्नामेंट ई गेम्स का नहीं कराया गया, क्योंकि ई गेम्स का बहुत बड़ा एक स्कोप है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं आजकल के वो स्पोर्ट्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स का इतना शौक शायद ही ना हो, क्योंकि हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है। तो आजकल हमने ये डिसाइड किया हमारी टीम ने कि क्यों ना हम इसी चैनल को पॉजिटिव चैनल की तरफ, एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हम चैनल करें। तो हमने ये डिसाइड किया कि ई गेम्स का एक अच्छा सा बेहतरीन टूर्नामेंट अपने बच्चों के लिए कराया जाएगा, और ये इंशाल्लाह आपके इसी अक्टूबर में होगा क्वेटा लेवल का। इसमें हम क्योंकि ये हमारा पहला ई गेम्स का प्रोजेक्ट होगा, तो हम ये चाहते हैं कि क्वेटा के जो क्रीम ई गेम्स के टीम्स हैं उनको, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की टीम्स हैं उनको हम बुलाएं, और कुछ बाहर से भी हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ता हूँ, हमारे जो पाइपलाइन में है वो बोर्ड गेम्स भी है, जिसमें आपका चेस, शतरंज जिसे कहा जाता है, कैरम बोर्ड है, लूडो वगैरह है, और नेशनल लेवल का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है नेशनल लेवल का, वो हम नवंबर में कराएंगे इंशाल्लाह। ये भी हमारे लिए एक बहुत कामयाबी होगी। और सिंध बलूचिस्तान लेवल पर हमने फोकस इसीलिए किया है कि शायद हम समझते हैं कि अगर हम क्वेटा, क्योंकि बलूचिस्तान, हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अगर हम अपने रिसोर्सेज एक ही शहर में लगा लें, ये मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो हमारा जो विजन है वो फुल इंक्लूसिव है, तो सिंध बलूचिस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ। नसीराबाद की तरफ हम डिविजनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराएंगे प्रोविंशियल लेवल पर, और नॉर्दर्न बलूचिस्तान फोर्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी इंशाल्लाह, ये सारे आपके नवंबर में आपके प्रोजेक्टेड हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अंडर 10 जब हम फोकस कर रहे हैं, हम ये भी क्राइटेरिया रखेंगे कि मेन मेल एंड फीमेल हो। जैसे मैंने कहा कि हम किसी एज कैटेगरी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, इससे ये पैगाम जाता है कि कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी कैटेगरी, कोई भी जेंडर इस हमारे इंशाल्लाह टेन्योर में जितना भी है इसमें इग्नोर नहीं किया जाएगा। लास्टली दिसंबर में हमने ये फैसला किया है कि साउथर्न बलूचिस्तान स्पोर्ट्स गाला कराएंगे, ये ग्वादर में इंशाल्लाह होगा, और हम आप सबको इसमें मदु करते हैं। जो हमारा स्पोर्ट्स विजन है, जैसे मैंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम ये है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के लिए इंटरनेशनल लेवल्स के दरवाजे खोलें, उनको ये अवेयर करें कि स्काउट कैसे हुआ जाता है, उनको ये अवेयर करें कि किसी के नज़र में आप कैसे आ सकते हो अपने टैलेंट की बुनियाद पर। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम स्पोर्ट्स को भी डिजिटलाइज करें। सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब बैठे हुए हैं, हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन हम जनरेट करें जिधर हम एक डेटाबेस बनाएं जो कि हमारे स्पोर्ट्स लेवल पर काम आए, हमारे यूथ लेवल पर काम आए। और बढ़ता चलूँ यूथ की तरफ, क्योंकि सेक्रेटरी साहब हमारा एक ही है यूथ का और स्पोर्ट्स का, तो सबसे बड़ा हमारा इवेंट होगा नवंबर में, वो होगा ग्रैंड यूथ फेस्टिवल, जिसमें हम कुछ ऐसे डेलीगेट्स को थाईलैंड से बुला रहे हैं, हमने मदु किया है, जो कि हमें यूनिवर्सिटी सतह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ वो इंटरेक्ट भी करेंगे बलूचिस्तान आकर, और हमें, क्योंकि हमारा जो बलूचिस्तान है
शायद कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टूडेंट कि हमें पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि हम समझते नहीं हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और वायलेंस क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल चीज़ है और वायलेंस से हमें दरेख करना चाहिए, तो इस चीज़ का हमें अभी तक डिफरेंस मालूम नहीं है। तो जब हम अपने लेक्चरर्स को नवंबर में बुलाएंगे यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़कर आया हूँ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, वो इधर आएंगे, हमारे यूथ वर्कशॉप्स कराएंगे जो कि पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पर होगा, और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि इंडिया ये करा रहा है, बांग्लादेश ये करा रहा है, भूटान ये करा रहा है, ब्रुनाई ये करा रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं करा सकता। इसके अलावा नसीराबाद यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम हमारा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इंशाल्लाह होगा। सिबी यूथ फेस्टिवल जो कि हमने प्लान किया है वो मिड वीक ऑफ दिसंबर में इंशाल्लाह होगा। गवादर यूथ फेस्टिवल ये हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमने ये प्लान किया है। और लास्टली अगर अल्लाह ने चाहा तो मार्च में हमारा सेकंड यूथ समिट होगा, जो कि सेक्रेटरी साहब ने पहली बार बलूचिस्तान में कराया था पिछले जून में, इस साल कराया था। तो ये हमारा सेकंड नेशनल यूथ समिट होगा जिसमें हम मुल्क भर के डेलीगेट्स को बुलाएंगे और हमारे जो बेसिकली ये पॉलिसी रिकमेंडेशन कॉन्टेस्ट भी होगा, वो अपने आइडियाज़ भी हमसे शेयर करेंगे और ब्रेकआउट सेशंस भी इसमें होंगे, तो मुल्क भर से हम सबको बुलाएंगे। लास्टली मैं जाना चाहता हूँ कल्चर की तरफ, क्योंकि कल्चर का भी बड़ा, जैसे आप सबको पता है कि बलूचिस्तान एक गुलदस्ता है, हमारे यहाँ कई कल्चर्स, कई अकवाम रहते हैं, कई जुबाएँ बोली जाती हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 23 सितंबर को पश्तून कल्चर डे सबसे बड़ा इवेंट हुआ और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि ये एज अ बलोच की हैसियत और एक पश्तून इवेंट में जाना, मैं समझता हूँ कि ये सैलेड बॉल दिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, भाईबंदी है, और एक दूसरे के साथ हम कितना मोहब्बत और प्यार करते हैं। हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट होगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ये अदबी दीवान हम कुछ कराएंगे, उसके अलावा बुक फेयर कोलैबोरेशंस भी होंगी लाइब्रेरीज की तरफ से। सिंधी कल्चर डे हम नसीराबाद में मनाएंगे और हमारे कुछ म्यूजिकल नाइट्स होंगे जो कि जोब, लोरलाई और तुर्बत की तरफ हमने प्रोजेक्शन दी है। सबसे बड़ा हमारा जो इवेंट होगा वो इस्लामाबाद में होगा, शायद पहले भी हो चुका है लेकिन इस दफ़ा हम ये लोक वर्षा इस्लामाबाद में कराएंगे, जिधर हमारे बलूचिस्तान के मेरिट की बुनियाद पर हम आर्टिस्ट ले जाएंगे उधर अपना आर्ट दिखाने के लिए। लास्टली जो मेरा विजन था आर्ट के हवाले से, क्योंकि आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि मतलब इसका हमारे दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, तो मैंने ये फैसला किया कि हम बलूचिस्तान में 3D म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम बनाएंगे। ये शायद बलूचिस्तान के सतह का पहला 3D म्यूज़ियम होगा और हमने लोकल आर्टिस्ट को भी इसमें मदु किया है कि वो आकर अपने आर्ट का मुजाहरा करें, और जगह होगा डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर जो आपके स्पिनी रोड पे लोकेटेड है। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम अपने खिलाड़ियों को तरजीह दें, अपने यूथ के लिए हम प्लेटफॉर्म्स जो शायद ही उनको पहले ना मिल सकें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उनके तहफ़ात को हम दूर करें, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और रकबे के हिसाब से, लेकिन वसाइल बहुत कम है। जैसे कल मैंने अपने स्पीच में कहा कि हमारे पास जज्बा और मेहनत कश लोग बहुत हैं, लेकिन उनको हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और ये मैं उनसे वादा करता हूँ, ख्वाह वो हमारे आर्टिस्ट्स हों, एथलीट्स हों, या हमारे जो यूथ हों, कि हम अपनी जो हमारी टीम इधर बैठी हुई है, हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम उसके जो तहफ़ात है वो दूर कर सके। और इनका तहफ़ात का मुझे बखूबी पता है क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ, स्ट्रगल कर चुका हूँ, और जो बंदा खुद स्ट्रगल करता है तो वो दूसरों के लिए एहसास भी रख सकता है। तो आखिर में हम मेरिट को तरजीह देंगे, अकाउंटेबिलिटी को तरजीह देंगे, ट्रांसपेरेंसी और चेक एंड बैलेंस, हर चीज़ आपके सामने आएगा। थैंक यू जी।